जय जितेंद्र, जय भोलेनाथ। दोस्तों 12:56 हो गई है, मार्केट ने पहले ही कमाल कर दिया। डिस्क्लेमर, इसको पढ़ना अनिवार्य है। चलिए पहले मार्केट दिखा देता हूँ, फिर आपको मैं और बताने की कोशिश करता हूँ क्या हो सकता क्या नहीं। ये 2 बजे मैं सोचा था ऐसा करेगा, लेकिन उसके पहले कर दिया, कोई बात नहीं। अब क्या देखना आपको, 365 स्पॉट लिख लीजिए आप लोग, 360 लिख लीजिए। 360 अगर टूट गया तो कल तक आप 15,150 भी देखोगे। 360 अगर टूट गया, अगर 360 को बचा लेता है तो यहाँ से फिर तेज़ी ही होगी आज, और आज 2 बजे बाद भी तेज़ी होगी। और उसका हीरो रहेगा शायद रिलायंस, क्योंकि रिलायंस ने 200 EMA को टच कर लिया। देखते हैं, मैं आपको पहले तो बताता हूँ, यहाँ पे ये लेवल आप लिख लीजिए 360, 15,360 अगर टूटा, स्पॉट का लेवल है, स्पॉट निफ्टी अगर टूटा तो 15,150 कल तक दिखा देगा, और अगर बचा लिया तो शायद कल 15,700 भी दिखा दे और 800 भी दिखा दे। अगर बचा लिया इसको 15,360 को, तो शायद कल 15,700 से 15,800 कल ही दिख जाएगा। हो सकता आज ही 700 दिख जाए, बड़ी बात नहीं है, ठीक है। कल तक 700 या 800 दिखा दे, बस इस लेवल पे ध्यान रखिएगा। अब रिलायंस का देख लेते हैं, क्योंकि रिलायंस ही एक हीरो है जो आज टर्न अराउंड कर सकता है, क्योंकि इसने अपना काम कर लिया आज। ये 200 EMA को डिसाइसिवली ब्रीच कर लिया है। अब ये ऊपर खींचता है तो मामला बनेगा। देखिए रिलायंस में हम एक ट्रेंड लाइन बनाते हैं। अब ये सपोर्ट इसको बोल रहा है कि रिलायंस को किसी भी हालत में आज 2500 के ऊपर क्लोज करना पड़ेगा, इस लाइन के ऊपर क्लोज करना पड़ेगा तब जाके, वरना ये बहुत बड़ा ब्रेकडाउन हो जाएगा रिलायंस में, याद रखिएगा। अगर 2500 के नीचे क्लोज करता है, एग्जैक्ट लेवल ही बता देता हूँ, स्पॉट का लेवल है, सॉरी 2495, 2495 के नीचे अगर क्लोज होती है तो रिलायंस इज गॉन, और अगर वापस ऊपर ले जाता है तो रिलायंस यहाँ से बहुत बड़ा बाउंस बैक दे सकता है, ठीक है। तो मुझे तो आशा लग रहा है कि मार्केट वापस रिकवरी करेगा और बहुत तेज़ी से करेगा। फिर भी मैं 360 का लेवल आपको बता दिया, वो ध्यान रखिएगा। मुझे लगता है आज वापस हाई तोड़ देगा, ऐसा लगता है। जय जिनेंद्र।